गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हमारी एनिवर्सरी और मैं रात को बहुत लेट जगी थी, इस वजह से मेरी आंखों में स्वेलिंग और रेडनेस लग रही है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और एज ऑलवेज मैं जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन है वही मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नहा के पूजा की, उसके बाद मैंने कुछ कपड़े डाले हैं मशीन में वॉश करने के लिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने हैं मुझे, तो वो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। एंड अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। एक्सपेक्ट किया था कि हस्बैंड बनाएंगे, बट उनकी आदत नहीं, वो कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो अभी मैं ही चाय बना रही हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे, एक पूजा में जाना है, वहाँ तैयार होकर जाएंगे 10:30। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वहीं, एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या। मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया है, अभी टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो बस मैंने मेरी सिस्टर को इनवाइट किया है। हम लोग साथ में घर पे ही केक कट करेंगे, उसके बाद डिनर के लिए जाएंगे। तो अभी फटाफट से हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं 9:30 पे, अभी 10:20 हो रहा है। मैं रेडी होने वाली हूँ पूजा के लिए, एंड एज़ यूजुअल मेरा जो डे रूटीन होता वही रहा। मैंने सोचा था हस्बैंड चाय कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट आज बनाएंगे, बट उनको कुछ चीज़ों में वो चेंज होने वाले नहीं हैं, उनके प्लान्स कुछ और होते हैं, मैं कुछ और उम्मीद करती हूँ, हमेशा ऐसे ही होता है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि 365 डेज़ मैं ही करती हूँ घर के सारे काम, और मेरा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता मेरी एनिवर्सरी, हस्बैंड बोलते हैं हमारी एनिवर्सरी है। बात भी सही है कि हमारी है, हम दोनों के लिए उतनी ही खास है, बट मैं सोचती हूँ कि एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो तो एटलीस्ट उस दिन मैं घर के काम ना करूँ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है, बट हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट बाहर का ऑर्डर करना और हस्बैंड बना के दे उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं सोचती हूँ कि हस्बैंड चाय कॉफ़ी या जो भी है लंच वगैरह बनाएं, बट आज भी हस्बैंड एज़ यूज़ुअल जो उनका टाइम है उस टाइम से उठे और अपना रेडी हुए। फिर मुझे लगा कि बनाने वाले नहीं हैं, अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो खुद भी भूखे चले जाएँगे। तो मॉर्निंग में मैं भी जो मेरा रेगुलर टाइम उस टाइम से उठ गई, और उसके बाद बात लेके पूजा की। सबसे पहले मैंने, हमें मंदिर जाने का प्लान था बट उनका ऑफिस जाने का था तो इसलिए नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने घर पे ही पूजा की। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो हमारा रेगुलर होता है सैंडविच और चाय, वो मैंने बना दी। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और वो चले गए। पहले जाने का प्लान नहीं था, फिर सडनली कुछ कॉल या कुछ अर्जेंट काम याद आ गया तो उनको जाना पड़ गया। अभी मैं पूजा में अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी, उनकी फैमिली जा रही तो उनके साथ ही मैं चली जाऊंगी। वैसे हमारी सोसाइटी के पास में ही है हमारी दूसरी वाली सोसाइटी, तो बट मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, मेड भी काम करके जा चुकी। घर में कुछ खास काम नहीं था क्योंकि हमने डिनर बाहर किया था, किचन का कोई काम नहीं था, तो जस्ट ब्रूम किया और ग्लास क्लीनिंग वगैरह मैंने करा ली, क्योंकि मेरे पास आजकल बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। 6 डे वर्किंग है, एक दिन का टाइम मिलता है तो उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं और अपने लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और विंटर के क्लॉथ जो मुझे रखने थे वो मैंने क्लीन किए थे और बहुत सारा अभी लॉन्ड्री बैग में भरा पड़ा है। विंटर की क्लॉथ, स्वेटर वगैरह, स्वेटशर्ट, जैकेट्स वगैरह रहती, पूरी अलमीरा भरी पड़ी रहती, तो वो मुझे रखना था क्योंकि अभी टाइम जा चुका है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। हम लोग कुछ खास प्लान भी नहीं है एक्चुअली, बस अपनी सिस्टर को इनवाइट किया है तो वो भी अभी ऑफिस जाएगी, फिर ऑफिस से आने के बाद डिनर का प्लान है साथ में। तो अभी ऑफिस, मैं भी अपना ऑफिस का काम करूँगी, उसके बाद कुछ वीडियोस प्लान कर रखी हैं क्योंकि वीकेंड पे ही टाइम मिलता है या नाइट में होता है, तो कुछ वीडियोस होती हैं जो आप नाइट में नहीं कर सकते और नाइट में डिस्टर्बेंस होता है, तो इस वजह से मैं अभी इस टाइम ऑफिस के काम के बाद फ्री होके वीडियोस करूँगी। उसके बाद इवनिंग का प्लान जो है, जो भी अगर हस्बैंड आ गए तो मे भी कुछ और प्लान होगा, नहीं आए तो मैं अपना ऑफिस का काम या जो भी है वीडियोस के टॉपिक जो है वो कवर करूँगी, एंड नाइट में हम लोग घर पे ही केक कट करेंगे, उसके बाद बाहर डिनर करने जाएंगे, यही प्लान है अभी तक। फिर ऑफिस जाने के बाद फिर कह नहीं सकते कितने बजे फ्री होंगे हस्बैंड, रेगुलर टाइम पर आएंगे या उससे पहले ऑफ ले लेंगे, तो देखते हैं जो भी है फिलहाल। तो अभी मैं पूजा से आ चुकी हूँ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 11:30 तक फिनिश हो जाएगा,
सारा कुछ हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। बट मैं वहाँ लेट हो गई क्योंकि मैं 10:30 के बाद ही काफ़ी लेट गई थी। उसके बाद पूजा हुई, सबने प्रसाद खाया और उसके बाद हमने लंच किया, तो लंच भी डन है मेरा। और अभी हो रहा है 12:30, 12:48, तो अभी ऑफिस के काम के लिए लेट हो रहा है। तो पहले मैं ऑफिस के काम पे फोकस करती हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। जिनके साथ मैं गई थी, मेरी फ्रेंड और नेहा जी, वो अभी वहीं हैं, बट मुझे ऑफिस के काम के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैं आ गई। और पास में ही है तो वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं आ गई। अभी ऑफिस का काम करूँगी, उसके बाद कुछ वीडियोज़ प्लान की हैं, अगर हो पाएंगी तो होंगी, क्योंकि काम पे डिपेंड करता है। अगर काम ज़्यादा रहा या कॉल आने लगती बार बार क्लाइंट्स की, तो पहले वो करना होता है, उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो कर लेंगे। तो अभी हो रहे हैं 3:30 और मैं ऑफिस का काम फिनिश कर चुकी हूँ। और पूजा से आने के बाद मैं सबसे पहले मैंने ऑफिस का काम किया था। ऑफिस का काम कुछ खास तो नहीं हो पाया क्योंकि आज का शेड्यूल डिफरेंट था। ऑफिस के काम करने के लिए कंसंट्रेट करके 1-2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ता है, उतना नहीं हो पाया, बट जो अर्जेंट था वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो किया है, और वीडियो करने के बाद मिंत्रा लुक बुक करना था और हॉल शेयर करना था। जब भी मैं लुक बुक करती हूँ, सबसे ज़्यादा जो फैलता है सामान जिस तरीके से, उसको समेटने में जो टाइम लगता है ना, इस डर से मैं कभी कर नहीं पाती हूँ। बहुत टाइम होता है तभी करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। दिखा आप देख सकते हैं, ये अभी तो बहुत सारे कपड़े फोल्ड करके, जो मैंने कुर्ते वगैरह ट्राई किए थे वो फोल्ड करके रख चुकी हूँ, ये बाहर पड़ा हुआ है। और देखिए किस तरीके से मैं सूआ पड़ा है। ये समेटना जो है एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, इस वजह से मैं लुक बुक बहुत कम शेयर कर पाती हूँ। और विंटर्स में तो मैंने कोई लुक बुक शेयर किया ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और सर्दियों में दिन बहुत छोटा होता है। तो अब समर्स में जो भी लुक बुक होगा वो भी मैं फुल डे का ऑफ लेती हूँ, उसके बाद ही कर पाती हूँ। वीडियो भले 10-15 मिनट का होता है या उससे भी कम टाइम का होता है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो हम उसको शॉर्ट करते हैं कि कम से कम टाइम आपका ख़राब हो। और एग्जैक्ट लुक, फैब्रिक क्वालिटी क्या है, कैसे है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बता पाएँ। बट फिर भी एक वीडियो को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर 1 घंटे ओवरऑल अगर कम से कम टाइम देखें तो 1 घंटे का लग ही जाता है। सारी ड्रेसेस को चेंज करना, उनको एक्सेसराइज करना, और फिर पिक्चर लेना, क्लिक सारा वीडियो क्लिक करना, और उसको उसका हॉल शेयर करना, सब कुछ कंबाइंड करें तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम एटलीस्ट लगता है। उसको कट करके 10 to 15 मिनट का करते हैं, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और सब चीज़ें आपको एग्जैक्टली पता चले जैसे ही हमें रिसीव होती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। स्पेशली मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो उन लोगों की, उन यूट्यूबर्स की जो लुक बुक शेयर करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब जो भी प्रोडक्ट परचेज किया उसकी सारी पॉजिटिव बातें बता दिया, कुछ नेगेटिव है तो उसको नहीं बताया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैब्रिक, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सेसराइज करके जैसा दिखा देते हैं, हम लोग कन्फ्यूज़ होके परचेज कर लेते हैं, बट जब रिसीव होता है तो बिल्कुल डिफरेंट आता है, पिक्चर से डिफरेंट होता है। क्वालिटी जैसी एक्सप्लेन की होती बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप प्लीज़, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, तो मतलब यूट्यूबर हैं या वैसे भी आप अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं वेबसाइट पे या कहीं भी, तो प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करिए। जिससे रिव्यू शेयर करने का यही पर्पज़ होता है कि अगर कोई रेफरेंस लेना चाहे तो उसको ऑनेस्ट रेफरेंस मिले, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी तो परचेज़ कर सकते हैं, रिव्यू चेक करने की क्या ज़रूरत। तो प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू करिए। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, जो मेरा बजट है, जिस एक्सपेक्टेशन से उस प्रोडक्ट को मैं परचेज़ करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग वर्थ कर रहा कि नहीं, ये मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, फैब्रिक हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, फेक रिव्यू करना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं लुक बुक भी जब भी शेयर करती हूँ, तो अभी स्पेस का यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप देखते होंगे मेरे एक साइड में, इधर आप देख सकते हैं टीवी लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, एंड इधर हमारा बेड है, तो स्पेस बहुत कम बचता है। और दूसरे रूम में भी यही सीन है, तो अभी स्पेस का यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डेडिकेटेड स्पेस नहीं है मेरी वीडियोस के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है मेरा वीडियो, और लुक बुक वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आती है।
तो इसलिए भी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट होपफुली जब हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वहाँ मैं एक डेडिकेटेड स्पेस बनाऊँगी अपनी वीडियोस के लिए, स्टोरेज के लिए। अभी प्रॉब्लम होता है, अभी आधा स्टोरेज इस रूम में, आधा स्टोरेज उस रूम में करना पड़ता है, प्लस बहुत ही मैसी हो जाता। अब इसको समेटने का भी एक टास्क है। सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। रूम को प्रॉपर अरेंज करके मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा टी टाइम हो गया है। और सुबह से लंच करने के बाद फिर काम कर रही थी और वीडियो शूट की। उसके बाद अभी सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, एंड हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। बात हुई है बट अभी उनका एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने बजे आएंगे। 5:30 तक आई थिंक आ जाएंगे। और मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आप कितने बजे आ जाओ, जितने बजे आपको कंफर्टेबल है आ जाओ। तो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि अगर उनको जल्दी आना होगा, टाइम से आना होगा तो आ जाएंगे, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जितने बजे भी आएंगे उतने बजे कर लेंगे, क्योंकि फाइट से या ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं की जा सकती। तो जिसमें अगले की खुशी उसमें हमारी भी है। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल होता है। 360 डेज़ तो हम एज़ यूजुअल हमारा लाइफ स्टाइल रूटीन एक ही होता है। बस हमारा कुछ स्पेशल ओकेज़न होता, बर्थडे, एनिवर्सरी या करवा चौथ, इस टाइप का कुछ फास्टिंग वगैरह होता है, तो दिल करता है कि कुछ अच्छा हो मेरे लिए जो बहुत अच्छा लगे। तो कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो चलता है जो भी है। लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे ही सेटल होती हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लेके ही समझ में आती हैं। जो चीज़ें मुझे पहले बहुत हर्ट करती थी अब उतनी नहीं करती हैं, क्योंकि शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि एक दूसरे को ब्लेम कर, हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, या जो भी हमें एक्सपेक्टेशन होती है पूरी नहीं होती हम बोल देते हैं। बट ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, समझनी चाहिए एक दूसरे को, अगर साथ में रहना है, प्यार से रहना है, कि हम अलग अलग प्लेस से हैं, अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो एक साथ ही कुछ ही दिनों में आप एक दूसरे के दिल की बात समझ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें एक दूसरे की लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइस, हैबिट्स जानने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा पेशेंस के साथ अगर हम टाइम देंगे तो चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी, लेकिन सडनली कुछ भी नहीं होता। अभी आज 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा हाई होती थी, और सच बोलूँ तो पूरी कुछ भी नहीं होती थी। बट अभी बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो गई है। बट अभी भी कहीं ना कहीं जब मेरा स्पेशल ओकेज़न होता है या कुछ भी ऐसा होता, फेस्टिवल या कुछ भी जहाँ मैं उम्मीद करती हूँ और नहीं होता, तो दुखी हो जाती हूँ मैं, बहुत हर्ट होता मुझे, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपसे शेयर किया था। तो बट चलता है, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली नेक्स्ट ईयर इससे बहुत बेटर होगा। तो अब फटाफट मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, एंड चाय मेरी बनती रहेगी, उसके बाद मैं ये रूम अपना सही कर लेती हूँ। और मॉर्निंग से इतने सारे लोगों, फैमिली मेम्बर के सारे कॉल आ चुके हैं, फ्रेंड्स वगैरह व्हाट्सएप पे विश कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं दूसरे फ़ोन पे मेरे, तो उनको मैं कॉल बैक कर दूँ। आप लोगों के प्यार और विशेष से मेरा दिन ऑलरेडी बन चुका है, और अभी कुछ लोगों का कॉल बचा हुआ है, जिनका कॉल आ रहा है मैं उनको कॉल बैक करूँगी। और सबसे बातचीत करके अच्छा लगता है। वैसे बात ना हो रेगुलर, बट आज के टाइम में या कोई फेस्टिवल होता है तब सबसे बातचीत करना, सबका कॉल आना, एक स्पेशल फील अपने आप में होता है कि आपको सब लोग कॉल कर रहे हैं, ग्रुप में सब लोग विशेज दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक तो फ़िलहाल यही है, और कुछ खास नहीं है। हस्बैंड शायद आने वाले होंगे, अभी 1 घंटे में आ जाएंगे। तो उसके बाद का हमारा जो भी होगा वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। रेस्टोरेंट वहीं जाके डिसाइड करेंगे, मेरी सिस्टर आ चुकी है। चलिए, बहुत लेट हो रहा है, चलो मैं अपनी चाबी ले लेता हूँ। ले लीजिए, एक चाबी से भी काम चल जाएगा वैसे। मास्क रख लो, अरे यार ये तो बड़ा सिर दर्द है। नया वाला जो दिया वो नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन रेस्टोरेंट में लगाना ही पड़े। मास्क मैं रख ले रही हूँ, अभी लगा नहीं रही हूँ। हाँ रख लो। मुझे एक ट्राईपॉड और लेना है।
आज आप बाइक से गए थे या गाड़ी से गए थे? मिल्क रख लिया ना, पीछे रख दूं बैग? कांच की बोतल में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के लिए। बच्चे कितने भी शरीफ होंगे लेकिन बच्चे हैं। कैमरे की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि माही ने या किसी ने इसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम किया है, चेंज किया है। माही से क्या देखूंगी, आज ही किया वीडियो तो मुझे लग रहा थोड़ा बहुत, क्योंकि डे टाइम में जैसा पिक्चर आता है वैसा नहीं आया। लाइट की भी हो सकती है ना, कि थोड़ी बहुत डे लाइट सबसे परफेक्ट होती है। ठीक कर दूंगा, डे लाइट में भी थोड़ा ब्लर आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि इवनिंग के टाइम वीडियो शूट करो तो जैसा लगता वैसे ही ब्लर था थोड़ा। नाइन एट फोर सर जी, नाम और बता दो। अविनाश सिंह सर जी। के टावर। अभी फाइनली हम वहाँ आ गए हैं जहाँ से हमें केक पिक करना था। केक थोड़ा सा स्पेशल होगा, मुझे पता नहीं है कैसा होगा। एगलेस है प्लस मैं फिटनेस फ्रीक हूँ तो इसको कंसीडर करते हुए हस्बैंड ने ऑर्डर किया है। आई थिंक शुगर फ्री है या कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली टेस्ट उसका कैसा आएगा वो तो जो लोग खाएंगे उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, और मैं भी ऑब्वियसली अगर कुछ मेरे लिए स्पेशली करवाया है तो मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ मैं केक बहुत कम खाती हूँ, अच्छा लगता कुछ चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं, भले मैं डाइट और फिटनेस फ्रीक हूँ बट फिर भी चॉकलेट आइसक्रीम और केक डाइजेस्ट हो चाहे ना हो मुझे बहुत पसंद है। इन चीज़ों पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो अभी हस्बैंड केक लेने गए हैं, उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुँचेंगे। वेन्यू अभी कोई डिसाइडेड नहीं, वहाँ चल के जो भी रेस्टोरेंट जिसमें सही लगेगा मेरे सिस्टर या हम लोग का फाइनली डिसाइड होगा, वहाँ हम लोग जाएंगे डिनर करेंगे केक कट करने के बाद। तो बस ऐसे ही आज का प्लान होने वाला है। पहले मूड बहुत ख़राब था, मॉर्निंग से मेरा मूड बहुत ख़राब था बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट फाइनली ये चीज़ हुआ कि मैंने बहुत ट्राई किया, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराज़गी, लेकिन हस्बैंड ने गुस्सा नहीं दिखाया। हस्बैंड का रिएक्शन बिल्कुल कूल था, और मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ, हमेशा मेरा यही रहता है। मैं जब भी नाराज़ होती हूँ बहुत एक्सट्रीम नाराज़गी होती है मेरी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो सामने वाले बंदे को कुछ ऐसा रिएक्शन हो कि वो मुझे इग्नोर भी ना करे, फाइनली मैं कितना भी नाराज़गी दिखाऊं और फाइनली वो मुझे मना ले, बस यही सोचती हूँ। और जिसको भी आपसे लगाव होगा, आपका कनेक्शन जिसके साथ अच्छा होगा स्ट्रांग होगा, उसके साथ ऐसा ही होगा, आप कितनी भी नाराज़गी उससे दिखाएं लेकिन फाइनली वो आपको मना लेगा। तो ऐसा ही हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। अभी इस टाइम मॉर्निंग से बहुत मूड अपसेट था और मैं खुद में नेगेटिव होती जा रही थी और सारी चीज़ें नेगेटिवली सोच रही थी। फाइनली जो नाराज़गी थी, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे केक कट करेंगे। मूड की बात है, बस मूड अगर सही हो तो सारी चीज़ें अच्छी लगती, मूड अगर सही ना हो तो सारी चीज़ें नेगेटिव समझ में आती हैं और सारी कितना भी कोई एफर्ट करे सब कुछ बुरा ही लगता है, कमी ही लगती है हर चीज़ में। बट मूड अभी मेरा फाइनली अच्छा हो गया है। और चलिए रेस्टोरेंट पहुंच के बात करती हूँ आपसे, क्योंकि केक अभी लेके यहाँ से कैरी करके वहाँ जाना है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हस्बैंड फिर उस पर मेरा ही नाम लगा देंगे, मुझे ही ब्लेम कर देंगे। तो फाइनली अभी हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट में कहाँ बैठना है, हमें डिनर कहाँ करना है।
सुंदर लग रही है ड्रेस। घंटों हो गया खड़ी, एक घंटे हो गए। बच्चे थे वो अब कहाँ गए? अरे मेरे बच्चों, मेरी जान। पहले मैंने भी किया है ना, लिपस्टिक लग गई बेटा। चलिए मुबारकबादें जो है अभी होटल के अंदर आ रही है। इसमें मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा इतना प्यार कर रहा है, मेरा प्यार कर रहा है। बीटू आ जाओ। हाँ। वेलकम बैक। मैं वेलकम। माँ। हैप्पी एनिवर्सरी तो बोलो जीजा को। हैप्पी एनिवर्सरी जीजा। अरे हमें तो हम बच्चे हैं क्या, हम ये मान ही नहीं सकते। सही जगह है। फिर आए हमने कहा थोड़ा सब चीजें आप आए तो आप सबको डांटो मत। नहीं कैसे एक साथ में सब लोगों का ले लीजिए। हाँ आ जाओ, किलो को ले लो, किलो को ले लो। हमारा को निकाल लो, हमारा को भी तो निकाल लो, पॉकेट में हाथ डाल। सब लोग साथ में आ जाते हैं ना भैया, साथ में आप भी एक बार। मैं भी आ जाऊंगा। नीचे करो फ्लावर दी जी, जाइए इधर से लीजिए। नहीं बोला है जान। कुछ अब मेरे बेच कर गए थे ड्रिंक वाला, यहाँ नहीं बहुत सुंदर सा केक लिया है जीजा ने। अभी हम लोग कट करेंगे और फिर उसके बाद डिनर करेंगे। मेरी प्रिंसेस, मैं सबसे पहले मैंने विश किया। पहले केक तो कट करेंगे। केक तो मैं भूल ही गई थी। केक भी तो पहले केक कट करेंगे। पहले केक कट करेंगे फिर देखो। कैमरा तो सारा इधर होना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? हम लोग पहुंच चुके हैं आदित्यम रेस्टोरेंट पे। इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। बच्चे आ चुके हैं, मेरी सिस्टर आ चुकी है। तो अभी पहले हम लोग यहाँ केक कट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। आपकी बार आप करो, आपकी एनिवर्सरी आप करो। नहीं हम केक कट करेंगे, हमारा केक कटिंग होने वाली है। चलो मैं अभी दिखाती हूँ। क्या है फरवरी? ओ 17। वाओ देखो, अच्छा रुको निकालो, हटाओ जीजा ये सब हटाओ, ये इनको हटा दो। और नहीं नहीं मॉम मुझे ये बनाया, इधर ही बहुत सुंदर। अच्छा इसी में टाइम लगा होगा, ये पहले आ गया था। अच्छा सो गाइज, हम लोग होटल में, हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं फॉर एग्जाम एंड बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। सी 5 प्लस हो गए ना, मैंने बताया था ना। 5 प्लस हो गए इसीलिए बड़े। यार मेरे कैमरे में सेटिंग खराब कर दी, एकदम ओरिजिनल फोटो आ रहा। रुचि मौसी, रुचि मौसी मेन फोकस ऑन केक। हमारा का बच्चा है, हमारा आप क्या खाओगे? मैं तो बस केक। केक के अलावा कुछ तो खाओगे? नूडल्स मंगा लें क्या? क्या हमारा नूडल्स? हाँ ठीक है, एक पनीर नूडल भी कर दीजिए। हाँ बाद में पूछ रहे हैं सब। और केक सर्व करने के लिए प्लेट भिजवा दीजिए, मतलब अमायरा को देना पड़ेगा ना, ये शोर मचा रही है। कितने खाओगे?
रुचि मासी ये वाला तारू ये रिश्ता क्या कहता है पता नहीं पता नहीं जिसको सबसे ज्यादा भूख लगी उसको खिलाओ देखना आप तीनों लोग एक बार Wow. Wow. Cool.
खाना खाओ ना तो और मज़ा आता है। दीदी आप थोड़ा पीछे रहो, उसी लालटेन की लाइट को कवर करो। We went meet after the photo shoot. लोग अच्छा अच्छा व्यू दिखाते हैं, यहाँ क्या व्यू दिख रहा है। कितनी सारी स्टेयर्स हैं, संभाल के आ रही हूँ। तो अभी हम लोग डिनर करके फ्री हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:20, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिस्टर के यहाँ, वहीं स्टे करेंगे। मॉर्निंग में हस्बैंड का ऑफिस नहीं है, मुझे जाना है, उसके बाद हम लोग साथ में ही निकलेंगे वहाँ से। सब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है तब कुछ नहीं बचा है, अभी बोलेंगे। अब लाइट तो जला लूं, खाना कैसा लगा माही? फोन करना, फोन करके बोल दो लाइट जला लें। बोलती हूँ खाना बहुत डिलीशियस था, कुछ लोग स्पून भी पैक कर रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आ गया था। जल गई लाइट, रियल दोस्त बनाना चाहती हूँ। हाँ मतलब और क्या, ओरिजिनली बनाओ। जल्दबाजी में इधर उधर थोड़ा निकल जाता है। आपने अच्छा था, आपके अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं खाते थे अभी सारे आधा ले सामान संभाली है, मजा नहीं आया जो भी कहो। वाह, हेलो गाइस, मजा नहीं आया? वाह 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 वाह, पार्टी बिल्कुल रद्दी हुई। खाना इन लोगों ने कम ऑर्डर किया। This is a review. ऐसा लग रहा था कि जैसे पैसे बचाने के लिए रिव्यू, मैं सच्चा रिव्यू कर रहा हूँ। नहीं, अब क्योंकि आने वाले वक्त में मेरा सच्चा चैनल होगा, नाम होगा उसका, चैनल का नाम सच्चा आदमी। सच्चा आदमी। खाना अच्छा था, नूडल अच्छे थे, एक बाउल नूडल में 5 आदमी 6 आदमी खिला रहे हैं। मैं गरीब हूँ। नहीं यार, मतलब ये वीडियो में चलता है अबे साले। हेलो गाइस, ये हम है, ये हमारा कैमरा है और ये पावे हो रही है। नहीं, स्टार्टर में थोड़ा कम था, स्टार्टर अगर होता। और बहुत मुझे तो इतना हैवी फील हो रहा है कि ऐसे लग रहा है दो दिन। तुम्हें तो फर्स्ट बाइट में हैवी फील होना शुरू हो गया होगा, खाना जैसे आया होगा टेबल पे। थोड़े स्पाइसी थे हम लोग जा रहे हैं घर, हम लोग पहुँच चुके हैं। उसका वीडियो देखना, देखा हुआ रोज कहते ना कितना मस्त महसूस कर रहा है उसी का। अभी मैंने रिसेंट में उसका बजरंग दल वैलेंटाइन डे का दो चश्मा पहन के आया, बजरंग दल बजरंग दल। वो देखो आज की ठंड है, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं। सो गाइस, ब्लॉग का एंड नहीं हो रहा है, वी विल कंटिन्यू। गाइस कैमरामैन सुरेश बंद कर दीजिए प्लीज, हमारे लोग। मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्रीसियस पेंटिंग जो मेरी क्यूटी पाई ने बनाई है। वो फ्रेम करने का उतना काम नहीं करती है, वो सीधे बॉल पे।
एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट ये ओनली वन मटेरियल से हुआ है, वो मस्कारा है. ये सिर्फ पूरा डिज़ाइन मस्कारा से हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है. एंड जिसने पेंटर को मैं दिखाती हूँ. हाय पेंटर, आप क्या कर रहे हो? पेंटर अभी बहुत क्राई कर रहा था, तो पेंटर अभी शांत है. अम्मू आप क्राई क्यों कर रहे थे बेटा? हाँ तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सिस्टर के यहाँ. और माही कह रही ब्लॉग कंटिन्यू होगा, बट अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, कट करने के बाद भी बहुत लंबा होने वाला है. तो अभी ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मासीज चैनल. मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, सब ख्याल. अपने चाचा चाची मौसा मौसी सारे रिलेटिव से शेयर कर दो. सो गाइस अभी मासी को नहीं पता कि ब्लॉग कंटिन्यू होगा, बट अभी मैं कपड़े चेंज करने वाली हूं. सो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सी माय नाइट ड्रेस. अब चलो अब व्लॉग एंड कर देते हैं, बाय. प्लीज मासी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके? शी इज वर्किंग सो हार्ड.